मनरेगा बीपीओ को 5,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। 15,000 की मांगी थी रिश्वत। झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने शुक्रवार को गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत मनरेगा के बीपीओ विपिन कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एसीबी के इंस्पेक्टर शाहिद गुलाम अंसारी ने बताया कि घाघरा प्रखंड के जलका ग्राम निवासी संतोष साहू ने विभाग को आवेदन देकर बीपीओ के द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके सत्यापन के लिए विभाग की टीम शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची। जांच में पता चला कि आरोप सही है। आरोपी को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता संतोष साहू ने बताया कि जाम टोली के आंगनबाड़ी का कार्य कराया जा रहा था, इसमें बीपीओ के द्वारा लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी। इससे पहले मैंने 5,000 रुपए देकर काम शुरू कराया, इसके बाद बीपीओ के द्वारा काम को रोक दिया गया। कहा गया कि पहले पूरा पैसा दो, उसके बाद ही काम शुरू करना, जिसके बाद मजबूर होकर इस मामले में एसीबी से शिकायत की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कार्यालय के अंदर पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया। टीम आरोपी को अपने साथ लेकर चली गई। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।